नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम पिंडों के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि त्रिभुजाकार घन क्षेत्र अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और इसकी एक भुजा एक्स वाई के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन को करते हैं, जबकि इस त्रिभुज की भुजा हमारे पास दी है 3 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई हमारे पास दी है 5 सेंटीमीटर। प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारे पास फर्स्ट एंगल में इस प्रकार हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर धरातल है और यह हमारे पास क्षैतिज धरातल है। ये क्षैतिज धरातल के ऊपर हमारे पास ये त्रिभुजाकार घन क्षेत्र, त्रिभुजाकार घन क्षेत्र वो पिंड होता है जिसमें नीचे और ऊपर की तरफ समबाहु त्रिभुजें बनती हैं और बगल में फलक में क्या बनती है, हमारे पास 3 आयतें बनती हैं। 3 भुजाएं होती हैं तो आयतें भी 3 ही बनती हैं हमारे पास। तो ये त्रिभुजाकार घन क्षेत्र इस प्रकार यहां पे रखा हुआ है और इसकी एक भुजा एक्स वाई के साथ अगर हम इस क्षैतिज धरातल को 90 डिग्री के ऊपर घुमा देंगे, इस प्रकार एक हमारे पेज की तरह हो जाएगा, एक समतल क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, त्रिभुज की एक भुजा, इसमें 3 भुजाएं, इसमें से एक भुजा क्या है एक्स वाई के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है और वो भी बाई ओर 45 डिग्री का कोण बना रही है। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर का गैप हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर धरातल से आगे की तरफ होता है। अपनी मर्जी से एक बिंदु ले लेते हैं हम, जैसा कि आप देख रहे हैं इस सेट स्क्वायर में भी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये इसमें 45-45 डिग्री के कोण बनते हैं, जैसे कि हमें ज्ञात है। आप इसकी जगह डी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये फिर भी 45 डिग्री का कोण आएगा। ये देख रहे होंगे 45 डिग्री का कोण है। ये हमने 3 सेंटीमीटर एक भुजा ले ली है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ये हमारे पास कोण है 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि दूसरी 2 भुजाएं भी ज्ञात कर लेनी है। दूसरी 2 भुजाओं को ज्ञात करने का हमारे पास तरीका है, या तो 60-60 डिग्री के कोण बना दो या फिर प्रकार से उस पॉइंट को ज्ञात कर दो। ये हमारे पास आ गया सी बिंदु, सी को मिला दो बी और सी के साथ। ये हमारे पास ये त्रिभुजाकार घन क्षेत्र है जो इस प्रकार रखा हुआ है, जो 45 डिग्री बाई ओर एक्स वाई से कोण बना रहा है। तो ये हमारे पास ये भी ये क्षैतिज धरातल के ऊपर है, इस प्रकार 45 डिग्री का कोण बना रहा है, पर जब यदि ये सामने से देखा जाएगा तो ये सामने से हमारे पास इस प्रकार से नजर आएगा। जब हम इसको क्षैतिज धरातल को सीधा करेंगे, इस प्रकार एक क्षैतिज धरातल पे सीधा करेंगे, तो हमारे पास एक भुजा हमारे पास ये नजर आएगी और एक भुजा ये नजर आएगी, जबकि हमारे पास पीछे भी एक भुजा है वो इन दोनों रेखाओं के पीछे छुप जाएगी और वो डॉटेड में आएगी हमारे पास, जो ए बिंदु से प्रोजेक्शन जाएगा। प्रोजेक्शन देने के लिए हमारे पास सेट स्क्वायर सबसे अच्छा माध्यम है, एक्स वाई के समानांतर सेट स्क्वायर को रखा और इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन हमने ले लिया। अब इस सेट स्क्वायर को हमने बाई ओर खिसकाना है ए बिंदु पे, ए बिंदु पे भी हमने एक कॉर्नर का प्रोजेक्शन ले लिया, उसके बाद बी बिंदु बी से भी हमने प्रोजेक्शन ले लिया। अब ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर ये सीधे लिए होंगे तो हम स्केल से भी ले सकते हैं, अन्यथा हमारे पास सेट स्क्वायर है। फिर दोबारा सेट स्क्वायर की सहायता से हम इसकी हाइट ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पक्का आएगा क्योंकि जब हम नीचे से देखेंगे तो इसमें ये जो हमारे पास ये बी बिंदु आ रहा है ये हमारे को साफ दिखाई दे रहा है, सी बिंदु भी साफ दिखाई दे रहा है। जब हम ए बिंदु को देखेंगे तो ये हमारे पास इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये डॉटेड में आएगा। तो इसी प्रकार
बिंदु, ये था हमारे पास बी डैश, या गया हमारे पास ए डैश, या गया सी डैश। ए डैश से भी हम प्रोजेक्शन लेंगे, ये हमारे पास डॉटेड पे आएगा क्योंकि इसके सामने ये वाली भुजा है जिसके पीछे छुप गई है, और सी डैश से भी हम प्रोजेक्शन ले लेंगे ऊपर की तरफ। अब इसकी हाइट हमारे पास होनी चाहिए थी 5 सेंटीमीटर, हम इसकी हाइट इस प्रकार भी ले सकते हैं एस, एक बार एक रेखा के ऊपर 5 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद बी डबल डैश एक्स वाई के समानांतर हमने रेखा ले जानी है बी डबल डैश पे, इस प्रकार से यह आ जाएगा हमारे पास ए डबल डैश सी सी डबल डैश। ये हमारे पास त्रिभुजाकार समबाहु त्रिभुजाकार घन क्षेत्र, घन क्षेत्र वो पिंड का वो हिस्सा होता है जिसमें आयतें बनती हैं। एक आयत हमारे पास ये बन रही है जबकि दूसरी यहां पे है और तीसरी आयत ये है, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो गैप है ये भुजा उतनी ही लंबी है, परंतु जब ये एक एंगल के ऊपर झुक गई है तो इस वजह से ये गैप जो है हमारे पास कम हो गया है, एक साइड हमारे पास गैप ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। यही हमारे पास त्रिभुजाकार घन क्षेत्र है जो बाई ओर एक्स वाई के साथ बाई ओर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।